संगम शरणं गच्छामि। तो इस क्वेश्चन का नाम है हमारा रोटेशन। ये बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हैकर अर्थ का एक प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन विद द टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी ऑफ सेम लेंथ एंड, और हमारा इसमें टास्क है हमें ये बताना है कि इस एस को टी में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशन, कितने मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन हमें लगेंगे इसको कन्वर्ट करने में। और हमें ऑपरेशन में क्या गिवन है कि हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग और उसी कैरेक्टर को अपेंड कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द मतलब स्ट्रिंग। जैसे अगर हम इनपुट टेस्ट केसेस देखें तो हमें क्या गिवन है, इस इनपुट टेस्ट केसेस को मैं क्या करता हूँ, जैम बोर्ड पे लेके जाता हूँ। तो जैम बोर्ड पे समझने के लिए ना, तो जैम बोर्ड पे समझने के लिए हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें ये बोला हुआ है कि हमें ये बताना है कि जैसे हमारे पास ये एस है और ये क्या है, टी है। तो हमें ये बताना है हमारे को इस एस को टी में कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे। ऑपरेशंस मतलब जैसे हमें क्या बोला हुआ है कि जैसे ये एस है ना, इसमें हम अगर पहला कैरेक्टर हटा देते हैं, मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है ए उसको हटा दिया तो बचा क्या, अब हमारे पास ए एक्स ए ए बी सी बचा है ना। तो अब हमें क्या बनाना है, हमें ये चीज बनानी है। तो अब इससे क्या बन सकता है, इस ए को हम हटा के क्या कर देंगे, पीछे रख देंगे। तो हमारे पास अभी बनेगा क्या, ए एक्स ए ए बी सी ए, ठीक है। अब हमारे पास ये जो स्ट्रिंग बची है ना, अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे। तो हमारे पास अगर ये इसके बराबर नहीं है, फिर हम वापस से ये करेंगे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको यहाँ से हटा के पीछे भेज दिया, फिर हमारे पास क्या बन गया, एक्स ए ए बी सी ए और ए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास अभी भी जो है ना ये स्ट्रिंग बराबर नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको हटाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ए ए बी सी ए ए एक्स। तो अब अगर हम देखते हैं ना, तो ये वाली जो स्ट्रिंग है और जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये बराबर हो गई हमारी, है ना। तो इस केस में हमें कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगे इसमें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक इसको करने में, फिर इसको और फिर इसको, है ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, तीन लगे, है ना। और क्वेश्चन में हमें ये हमें आउटपुट कितना दे रखा है, थ्री दे रखा है। तो हमें वही बताना है बस कि हमें कन्वर्ट करने में कितने इसमें ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो एक बार हम ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैम बोर्ड पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ना इस क्वेश्चन में जैसे क्या करना है, अगर हमारे पास ये दो गिवन है, ए ए एक्स ए ए बी सी, और एक गिवन है ए ए बी सी ए ए एक्स ए ए एक्स, हाँ। तो अब हमें ना हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरी स्ट्रिंग को कंपेयर ना करके हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो एस है ना, हमें इसमें ही मॉडिफिकेशन करनी है। मतलब हम क्या करेंगे, इसी में से डिलीट करेंगे और इसी को ही एंड में लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, हम बस इसको ही देखेंगे, हम बस मतलब इसी में चेंजेस करेंगे और इससे सर्च करेंगे कि हमारे पास ये जो लेंथ है ना, मतलब हमने क्या किया, हमने पहली स्ट्रिंग को हटा दिया है ना, फिर हम इसमें मॉडिफाई नहीं करेंगे। हम मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ना यहाँ से इसको हटा दिया, अब हमारे पास ये जो लेंथ बची है, हम ये कंपेयर करेंगे, हमारे पास ये जो लेंथ बची है और ये जो टी वाली स्ट्रिंग है, इसमें जो इतनी लेंथ की हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे ये कितनी लेंथ है हमारे पास, सबसे पहले कितनी लेंथ गिवन थी, हमारे पास सेवन लेंथ थी इसकी, है ना। और अब हमारे पास कितनी हो गई, सिक्स लेंथ हो गई। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास सिक्स लेंथ की जो हमारे पास स्ट्रिंग बनेगी, क्या वो इसके बराबर है। तो अगर हम देखते हैं कि नहीं है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या ये हमारे पास ये जो फाइव कैरेक्टर की फाइव लेंथ की स्ट्रिंग है, क्या वो इसके बराबर है। फिर हम देखेंगे कि अभी भी नहीं है, फिर हम एक्स को भी हटा देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो फोर लेंथ की है ना, हमारे पास ये जो फोर लेंथ की है और इस स्ट्रिंग में जो फोर लेंथ के मतलब हमारे पास स्ट्रिंग बन रही है, ए सब स्ट्रिंग बन रही है, क्या ये बराबर है। तो इसमें भी ए ए बी सी है, इसमें भी ए ए बी सी है, तो हाँ एकदम बराबर है। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने लगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन इतने ही लगे जितने हमने इसमें से कैरेक्टर्स हटाए हैं शुरुआत से। तो बस हमें यही आउटपुट कर देना कि हमारे पास थ्री। अब ये देखते हैं हम थ्री कैसे आया यहाँ पे। तो सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हमारे पास जो भी लेंथ होगी ना स्ट्रिंग की, उसमें से हमारे पास अब जितनी लेंथ बची है उसमें से माइनस कर देंगे, तो सेवन माइनस फोर हमारे पास थ्री आ जाएगा। तो उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगे हमें, मतलब उतने हमने जो कैरेक्टर्स है ना आगे के, वो हमारे सारे क्या हो गए, हट गए, और वो सारे पीछे आ गए, है ना। तो बस हमें यही करना है इस केस में। तो अब अगर हम ये देखें कि इसको कोड कैसे करेंगे, तो कोड करने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, अपने कोड पे आ जाते हैं। तो कोड करने के लिए सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसका साइज क्या है, लेंथ ले ली हमने स्ट्रिंग की। फिर हमने इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे ऐसे,
उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि हमें स्ट्रिंग और दोनों स्ट्रिंग और उसकी लेंथ पास करनी है। फिर मैंने वही किया जैसे मैंने अभी समझाया था कि मैंने एक लूप चलाया उसकी स्ट्रिंग से। फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना एक एक करके जो भी मेरी सब स्ट्रिंग है, सबसे पहले मैं तो ये देख लूंगा कि मेरे पास जो सब स्ट्रिंग है क्या वो एकदम बराबर बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने ये सब स्ट्रिंग बनाई, ये सब एस टी आर क्या करता है, वो सब स्ट्रिंग बनाता है जो हम इसमें पैरामीटर देंगे उतने लेंथ की। जैसे हमने जीरो दिया और ये ए डॉट लेंथ दिया, मतलब वो जीरो से लेके ए डॉट लेंथ तक जाएगा और जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना उन सबकी एक सबस्ट्रिंग बना देगा, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या ये जो सबस्ट्रिंग है और क्या उतने ही लेंथ की सबस्ट्रिंग, मतलब जीरो से लेके ए डॉट लेंथ तक की ही सबस्ट्रिंग बी में अगर हम देखें तो क्या वो बराबर हो रही है। अगर नहीं हो रही है फिर से हम उसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, है ना। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, कन्वर्ट करने के लिए हम वही करेंगे कि हम जो मतलब आगे वाला कैरेक्टर है, जो हमारा फ्रंट वाला कैरेक्टर है उसको हटा देंगे और जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर बन रहा है वहां से और एंड तक की स्ट्रिंग को हम ले लेंगे। मतलब हम यही करेंगे, फिर से हम सब एस टी आर का यूज करेंगे और जो हमारे पास अब जो स्ट्रिंग बन रही है ना उसमें से हम क्या करेंगे, पहली वाली उसको जीरो इंडेक्स वाले को हटा देंगे और हम वन इंडेक्स से लेके और पूरी लेंथ तक जो है एक सब स्ट्रिंग बना देंगे फिर से और उसका भी, उसको भी हम मतलब ए ही बोल देंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने ए को जो है छोटा कर दिया एक कैरेक्टर से, ठीक है, और हम वापस से ए को रिटर्न कर देंगे और अब जो हमारा ए बनेगा फिर हम कंपेयर करेंगे कि अब हमारी जो ए की सब स्ट्रिंग है क्या वो जो लेंथ है क्या वो बी की उतनी ही लेंथ में बराबर हो रही है सब स्ट्रिंग। अगर नहीं हो रही फिर से कन्वर्ट करेंगे और जिस केस में ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, मतलब हमारी स्ट्रिंग बराबर हो जाती है, उसी केस में हम क्या करेंगे, फॉल्स मतलब हमारे पास एल्स केस में आ जाएंगे और ब्रेक कर देंगे। और भाई हम कंडीशन लगाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए कि हम क्या करेंगे इसमें एन माइनस ए लेंथ करेंगे, ए लेंथ वही है हमारे पास अब जो स्ट्रिंग की, मतलब हमारे पास अब जो सब स्ट्रिंग की लेंथ जो इक्वल हो गई है ना उसे माइनस कर देंगे टोटल सब मतलब स्ट्रिंग की लेंथ से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बस इसी को ही हम क्या कर देंगे, सी आउट करके रिटर्न कर देंगे बस। तो ये हमारा सिंपल सा कोड था इस क्वेश्चन का।